सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस माह की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत का हिंदू परंपरा में विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य मिलता है। बताया जाता है कि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। सीधे कहें तो ये व्रत पितरों के लिए ही किया जाता है। इस बार इंदिरा एकादशी 16 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रतों के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें एक बार भोजन करने के अलावा पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। फिर दूसरे दिन एकादशी को स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। पितृपक्ष में इस व्रत के पड़ने के कारण इस दिन पितरों का आशीष लेने के लिए विधि विधान से श्राद्ध करके ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा दें, पुरखों के लिए निकाला गया पिंड गाय को खिला दें, फिर धूप फल मिठाई आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें। इसके बाद द्वादशी तिथि को सवेरा होने पर पुनः पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। जब तक दान पुण्य और ब्राह्मण भोजन पूरा ना कर लें तब तक मौन रहना चाहिए। बाद में परिवार सहित भोजन करने के बाद ही मौन व्रत तोड़ना चाहिए। पद्म पुराण की माने तो इंदिरा एकादशी व्रत व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही प्रभाव डालता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वालों के पितरों का दोष भी समाप्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। सतयुग के समय महिष्मति नाम की नगरी में एक इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा के साथ सुखी रहता था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार की बात है, राजा अपनी सभा के साथ बैठे थे। उसी समय महर्षि नारायण उनकी सभा में उतर कर आए। जैसे ही राजा ने महर्षि नारायण का पूजन किया तभी राजा ने नारायण से पूछा, और बताइए यहाँ आने का कारण क्या है? तब नारद जी ने कहा कि आप चकित ना हो। उन्होंने बताया कि श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। वहीं मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, वही मैं तुम्हें बतलाने आया हूँ। इसीलिए हे पुत्र इंद्रसेन, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। नारद जी की बात सुनकर राजा ने अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत किया, जिसके पुण्य प्रभाव से राजा के पिता गरुण पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत से सभी कष्टों से दूर हो गए। इसीलिए व्रत को करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। तो अभी हमने आपको बताया कि कैसे करते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत, किस तरह होती है पूजा और इस व्रत को करने का विशेष महत्व क्या है। आशा करते हैं इस व्रत के बारे में ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।